आज बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आगे की तरफ। पिछले क्लासेस में हमने रेगुलेशन ऑफ स्ट्रोक्स वॉल्यूम को अच्छे तरीके से स्टडी किया था कि कौन कौन से फैक्टर है, प्री लोड, कॉन्टिनिटी और आफ्टर लोड, जिसमें हमने फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ द हार्ट को भी स्टडी किया था। अब आज पढ़ते हैं हम लोग रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कुछ फैक्टर्स जिसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पारा और सिंपैथेटिक, पारा सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स आएंगे जो मुख्य रूप से हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स में, हार्मोन्स में आएगा एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं और हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। आयंस, आयंस में कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम आयंस का रोल है, वो भी हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं। एज में चाइल्ड हो, एडल्ट हो और एल्डर हो, जवान हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, तो उस वक्त एज का क्या फर्क होता है हार्ट रेट में वो देखेंगे। जेंडर में मेल्स या फीमेल्स, उस वक्त क्या इफेक्ट होता है हार्ट रेट में। फिजिकल फिटनेस, वो कितना फिजिकल फिट है, एथलीट्स है या फिर कोई सिंपल सा पर्सन है। सेडेंटरी पर्सन है, सेडेंटरी पर्सन का मतलब हो गया वो पर्सन जो एक्सरसाइज बहुत ही कम करता है या बहुत ही लो फिजिकल वर्कआउट करता है। टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट रेट बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार से घटता या बढ़ता है। बॉडी टेम्परेचर कम होगा तो हार्ट रेट भी डिक्रीज होगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो हार्ट रेट बढ़ता है। ये जब चीजें देखेंगे, पहले समझते हैं कि हार्ट रेट का एडजस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, हार्ट रेट को क्यों एडजस्ट किया जाता है। शॉर्ट टर्म कंट्रोल करने के लिए कार्डियक आउटपुट को और ब्लड प्रेशर को, इसके लिए हार्ट रेट का एडजस्टमेंट होना बहुत ही जरूरी होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम फॉलोअप, स्ट्रोक वॉल्यूम क्यों फॉल होता है, इसका कारण दो बताए गए हैं। पहला, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम डैमेज हो जाए, यदि वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में डैमेज आ जाए तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो फॉलोअप होता है, गिर जाता है। और दूसरा है, आपके शरीर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो ब्लीडिंग होने के कारण ब्लड वॉल्यूम भी रिड्यूस होगा, उस कारण भी स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम यदि में फॉल हो जाए तो होमोस्टेटिक मैकेनिज्म से कार्डिक आउटपुट को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी की मदद से होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म को मेंटेन रखते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि रेगुलेशन ऑफ हार्ट, हार्ट का रेगुलेशन कैसे होता है, यही को है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंट्रोल ऑफ नर्वस, कंट्रोल ऑफ हार्ट कैसे नर्वस कंट्रोल करेंगे हार्ट का। यहाँ फिगर देखते हैं तो दो चीजें सबसे पहली है, ब्लू लाइंस जो ऊपर की तरफ दिखाई गई है और एरो इंडिकेट करता है कि एक सेंटर की तरफ आता हुआ और उसी सेंटर से दो रेड कलर का एरो बाहर निकलता हुआ, ये सेंटर का नाम होता है कार्डियोवास्कुलर सेंटर। कार्डियोवास्कुलर सेंटर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में और ये ऑटोनोमिक रेगुलेशन करता है हार्ट रेट को। इसमें इनपुट होता है सेंसरी रिसेप्टर से और ब्रेन सेंटर से, मुख्य रूप से हायर ब्रेन सेंटर से, और आउटपुट जो है पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू इसमें आउटपुट होगा। यहां देखेंगे इनपुट के बारे में कि कहां से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इनपुट हो रहा है, मुख्य रूप से हायर ब्रेन सेंटर जिसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस, ये तीन सिस्टम जो है ये इनपुट करते हैं कार्डियोवास्कुलर सेंटर में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस ये हायर ब्रेन सेंटर है जहां से इनपुट होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। इसके बाद सेंसरी रिसेप्टर से भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इनपुट होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सबसे पहले सेंसरी सिस्टम आएगा प्रो प्रायोसेप्टर्स, सेकेंड में कीमो रिसेप्टर्स और तीसरा आएगा बेरो रिसेप्टर। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रो प्रायोसेप्टर्स की। प्रो प्रायोसेप्टर्स जो है वो मॉनिटर ऑफ मूवमेंट के कारण
वहां से जो इंपल्सेस आते हैं उसे ब्रेन तक भेजता है, सेंसरी रिसेप्टर है। ये मुख्य रूप से मसल्स में और लिम्ब, लिम्ब कहते हैं हाथ या पैर इंसानों के, यदि चर्चा की जाए, और जानवरों में क्या होता है, चार पैर होते हैं। तो लिम्ब, LIMB, लिम्ब जो होता है और मसल्स, वहां से रिसेप्टर जो लगे होते हैं वहां से इंपल्स को ब्रेन तक पहुंचाएगा। तो जैसे ही मूवमेंट होता है आपके हाथ या पैरों में या मसल्स में, जो मूवमेंट होगा उस मूवमेंट को मॉनिटरिंग करेगा और वो सीधे आप इंपल्स कहां तक पहुंचाएगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जैसे आप अभी बैठे हुए हैं और कुछ समय के बाद आप दौड़ने लगे, तो दौड़िएगा तो आपके हाथ और पैरों में मूवमेंट हो रही है, मसल्स में मूवमेंट हो रही है, तो मसल्स का मूवमेंट या हाथ पैरों का जो मूवमेंट है वो सीधे चला जाता है कहां पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पहुंच जाता है। उसके बाद सेकंड चीजें आती है कीमोरिसेप्टर। कीमोरिसेप्टर ब्लड केमिस्ट्री को दर्शाता है। ये कीमोरिसेप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुख्य रूप से कीमोरिसेप्टर में हम देखेंगे ऑक्सीजन की कैपेसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड की कैपेसिटी भी, जो हम कभी आगे पढ़ भी चुके होंगे कीमोरिसेप्टर। तो कीमोरिसेप्टर ब्लड में जो केमिस्ट्री है, ऑक्सीजन और बाकी चीजों की जो केमिकल्स हैं उसकी कंसंट्रेशन के अनुसार से ये एक रिसेप्टर जो है वहां से रिसीव करेगा। मान लो ऑक्सीजन की कमी है या ज्यादा है, उसके हिसाब से हार्ट रेट कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी है तो हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, वगैरह वगैरह। बैरोरिसेप्टर ये ब्लड प्रेशर को मॉनिटरिंग करता है। और बैरोरिसेप्टर कहाँ पे होता है देखते हैं एक जगह। बैरोरिसेप्टर, बैरोरिसेप्टर मुख्य रूप से देखेंगे इस सिग्नल्स में तो एरोटा में होता है। एक बैरोरिसेप्टर कैरोटिड बॉडी में कीमोरिसेप्टर भी है और बैरोरिसेप्टर भी है कैरोटिड आर्टरी में। ये केमिकल्स को, कीमोरिसेप्टर जो केमिकल्स को जिसे ऑक्सीजन हो गया उसको मेजर करेगा और बैरोरिसेप्टर जो है वो रिसीव करेगा ब्लड प्रेशर्स को। तो बैरोरिसेप्टर कहाँ कहाँ होता है हार्ट में, मुख्य रूप से दो जगह दिखाया गया है बैरोरिसेप्टर। पहला बताया गया है बैरोरिसेप्टर एरोटा में, यहाँ पे प्रेशर को ये मेजर करेगा, और दूसरा करेगा बैरोरिसेप्टर कैरोटिड आर्टरी में, मतलब एरोटा से एक नया जो ब्रांच निकलता है कैरोटिड आर्टरी का, वहां से। ये दो तरह का सेंसर यहाँ बताया गया मुख्य रूप से। यहाँ से ये इनपुट होता है सेंसरी नर्व फाइबर्स के थ्रू, ये इनपुट होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, कार्डियो रेगुलेशन सेंटर कहते हैं कीमो एंड, जो कि मेडुला ओब्लोंगाटा में होता है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये दो फिगर सेम बताती हैं आपको। यहाँ पे भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दिखाया गया है और यहाँ पे लिखा गया है कार्डियो रेगुलेटरी सेंटर। तो कार्डियो रेगुलेटरी सेंटर भी बोलते हैं किसी किसी जगह पर, और कार्डियो वास्कुलर सेंटर भी बोलते हैं, जैसा जिस बुक में डिस्क्रिप्शन हो उसके अनुसार। तो कार्डियो वास्कुलर सिस्टम ही मान के चलते हैं अभी हम, कि कार्डियो वास्कुलर सिस्टम जो है वहां से इनपुट होता है बैरोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर और प्रो पायरोरिसेप्टर। ये रिसेप्टर कहाँ कहाँ थे इसकी हमने चर्चा की। प्रो पायरोरिसेप्टर मसल्स में होते हैं और लिम्ब में होते हैं। कीमोरिसेप्टर भी हार्ट में होता है, हार्ट के कैरोटिड, हार्ट से निकलने वाले जो आर्टरी है, कैरोटिड बॉडी, तो कैरोटिड बॉडी में भी कीमोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इसके बाद बैरोरिसेप्टर कैरोटिड आर्टरी में और एरोटा में, ये दो जगह पाए जाते हैं। यहां से वो इनपुट होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। अब प्रश्न उठता है, इनपुट की चर्चा हमने कर ली, बैरोरिसेप्टर कहां सिचुएटेड होता है, कीमोरिसेप्टर कहां होता है, प्रोपायोरिसेप्टर कहां होता है, इसकी चर्चा की हमने। और प्रोपायोरिसेप्टर का काम क्या है, मॉनिटरिंग करना मूवमेंट का, जैसे हम दौड़ते हैं तो उसके लिए। ब्लड प्रेशर को मॉनिटरिंग करने के लिए बैरोरिसेप्टर है, वो भी हमने चर्चा किया, कहां होता है वो भी चर्चा किया। अब बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट के लिए मुख्य रूप से दो तरह के नर्व्स जो है वो शामिल होते हैं। पहला होगा कार्डियक स्केलेटल नर्व्स और दूसरा वेगस नर्व। वेगस नर्व ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पारासिंपथेटिक पाथवे का हिस्सा बनेगा और कार्डियो स्केलेटल नर्व जो है वो सिंपथेटिक का हिस्सा होगा। अब देखते हैं दोनों में से कौन कौन सी चीजें कहां कहां रिलीज होती है। कार्डियक स्केलेटल नर्व्स, जिसे सिंपथेटिक नर्व्स भी कहा जाता है, इसका क्या रोल है,
और वेगस नर्व का क्या रोल है, इससे कौन कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं। यहां हम देखते हैं इसी फिगर को, कार्डियक एक्सीलेटर को हमने सिंपैथेटिक कहा है और वेगस नर्व को पारासिंपैथेटिक कहा है। तो पारासिंपैथेटिक को ऊपर हमने दिखा दिया है इस फिगर में, जो दिखता है कि एसए नोड के पास कुछ केमिकल्स को रिलीज करता हुआ दिखेगा, पारासिंपैथेटिक नर्व फाइबर, जिसे हमने यहाँ पे कहा है वेगस टेन नर्व। तो वेगस टर्म ने जो है पारासिंपैथेटिक का, और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर देखेंगे कि ब्रेन से निकला है ये मेडुला ओब्लोंगाटा से, फिर ये स्पाइनल कोड आया है और स्पाइनल कोड से फिर एक दूसरा जो नर्व है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो है वो निकला है, ये स्पाइनल कोड से निकला हुआ दिखेगा। ये देखेंगे कि एसए नोड के अलावा इसका जो ब्रांचेज है वो एवी नोड में और लगभग लगभग पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखेगा, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल ओवर द हार्ट। तो सिंपैथेटिक नर्वस नर्व फाइबर जो है इसका ब्रांचेज ज्यादा दिखेगा, एसए नोड में भी कुछ केमिकल्स को रिलीज करता हुआ, एवी नोड में भी करता है और बाकी हर्ट्स के भी हिस्से मतलब वेंट्रिकल्स में भी करता है, जबकि पारासिंपैथेटिक नर्व फाइबर का जो ब्रांचेज है मुख्य रूप से एसए नोड में दिखता है। हालांकि इसके कुछ ब्रांचेज वेंट्रिकल्स में मे भी हो सकते हैं जो फिगर्स में नहीं दिखाए गए, लेकिन बहुत ही लेस कंसंट्रेशन में है। कहने का मतलब हुआ कि जिसके ब्रांचेज जहां पे होंगे वो उस एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, जैसे एसए नोड की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा सिंपैथेटिक और पारासिंपैथेटिक नर्व फाइबर दोनों, वेंट्रिकल की एक्टिविटी को वेंट्रिकल की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा सिंपैथेटिक नर्व फाइबर मुख्य रूप से, पारासिंपैथेटिक का कोई रोल्स नहीं दिखेगा। यहां तीसरी चीजें भी दिखा रही है कि यहां पे सिंपैथेटिक नर्व फाइबर यहां पे भी गया हुआ है, एक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर एड्रिनल ग्लैंड्स में, और यहां से कुछ केमिकल्स जैसे कि एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को ब्लड में सर्कुलेट करता है और ये ब्लड सर्कुलेट पहुंचता है हार्ट में और हार्ट में भी ये केमिकल्स को ये कुछ सिम्टम्स ये कुछ चीजें प्रोड्यूस करेगा। तो एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन जो है यहाँ पे वो रिलीज करते हुए दिखेगा एड्रिनल मेडुला से। उसके अलावा एसए नोड में भी देखेंगे कि ये नर्व्स का जो एंडिंग है सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, यहाँ पे भी कुछ केमिकल्स जो है वो रिलीज होंगे एसए नोड में। ये सब चीजों को हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कार्डियक एस्केलेटल नर्व्स का, ये एक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स में काउंट होगा, ये एक्सटेंड आउट होगा एसए नोड में, कहां कहां निकलता है एसए नोड एवी नोड और मोस्ट पोर्शन ऑफ मायोकार्डियम में ये दिखेगा कार्डियक एस्केलेटल नर्व फाइबर, जिसे हमने कहा सिंपैथेटिक को। तो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जिसे हमने यहाँ पे कहा है कार्डियक एस्केलेटल नर्व्स भी, ब्रैकेट में हमने सिंपैथेटिक लगाया इस फिगर में और दूसरे फिगर्स में हमने लिखा है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर सिर्फ, यहाँ पे कार्डियक एस्केलेटर नहीं लिखा हमने। तो दो अलग अलग डायग्राम्स हैं जिसमें अलग अलग तरह का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि ट्रिगर करता है ये नॉन एपिनेफ्रिन का रिलीज को, जो कि बीटा वन रिसेप्टर मसल फाइबर के साथ जाकर बाइंड करता है। अब इसका रिलीज देखेंगे कहां पे है, रिलीज एक यहां पे दिखेगा आपको और उसके बाद हर जगह रिलीज होगा। तो जहां से ये रिलीज होता है ये रिलीज क्या करेगा नॉन एपिनेफ्रिन, हालांकि नॉन एपिनेफ्रिन एक जगह से और आता है, वो आता है एड्रिनल मेडुला से, दूसरे तरह से एड्रिनल मेडुला से भी एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन ब्लड में आता है और वहां से भी ये हार्ट तक पहुंचता है। तो एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन दो जगह से रिलीज होता है नॉन एपिनेफ्रिन, एक तो होता है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से, यहां पर भी रिलीज होगा, ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर का जो एंडिंग हो गया सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यहाँ तीन जगह दिखता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तो यहाँ पे ये रिलीज होगा और मायोकार्डियम में जाकर बाइंड करेगा और यहाँ पर ये एसए नोड में भी रिलीज हो रहा डायरेक्ट। ऑटो रिदमिक फाइबर जो है वहां पे भी नॉन एपिनेफ्रिन का रिलीज करता है, तो मायोकार्डियम में भी कर रहा है और नॉन एपिनेफ्रिन में भी। ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो है जिसको हमने कहा है एस्केलेटर कार्डियक एस्केलेटर नर्व्स, वो रिलीज होता है नॉन एपिनेफ्रिन को। तो नॉन एपिनेफ्रिन का रिलीज करेगा तो वो बीटा वन रिसेप्टर से बाइंड करेगा। तो पहले देखते हैं कि एसए और एवी नोड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो एसए और एवी नोड में फायर करेगा डीपोलराइजेशन को बढ़ाएगा, बहुत तेजी से डीपोलराइजेशन होगा जिससे हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज करेगा। दूसरा चीज देखेंगे कि वो कैल्शियम की एंट्री को बढ़ाएगा वोल्टेज गेटेड स्लो कैल्शियम आयन की मदद से, वो हमने आगे पढ़ा था एट्रिया में भी और वेंट्रिकल्स में भी, क्योंकि ये हर जगह पाया गया है कार्डियक एस्केलेटर नर्व फाइबर जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर है, वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी से होगा कैल्शियम आने की वजह से, ब्लड इजेक्शन जो है बढ़ेगा सिस्टोल। हार्ट रेट में देखेंगे कि हार्ट रेट में
200 बीट्स पर मिनट तक पहुंचाता है, 20 साल का यदि बच्चा हो तो उसमें हार्ट रेट को 200 बीट्स पर मिनट तक पहुंचाता हुआ दिखता है। ये काफी ज्यादा इसका इफेक्ट है, नॉन एपिनेफ्रिन या फिर एपिनेफ्रिन, ये 200 बीट्स पर मिनट तक दिखा देगा, तो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, जिस कारण से स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। इसका कारण था कि शॉर्ट फिलिंग टाइम मिलता है, फिल होने का टाइम उतना नहीं मिल पाता है, तुरंत हार्ट रेट जो है बहुत तेजी से हार्ट तुरंत बीट करता है, तो समय जो होना चाहिए फिलिंग का वो नहीं मिल पाता, तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। यहाँ पे दिखेगा कि हार्ट रेट इंक्रीज होगा और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता हुआ दिखता है। ये काम है कार्डिक स्केलेटल नर्व फाइबर का। अब दूसरी देखिए पैरासिम्पेथेटिक नर्व फाइबर। पैरासिम्पेथेटिक नर्व जो होता है वो राइट और लेफ्ट वेगस नर्व, जिसे हमने कहा कि क्रैनियल्स टाइप 10 नर्व है, उसकी मदद से पहुंचता है। वेगस नर्व टर्मिनल होता है कहाँ कहाँ, इसका वेगस नर्व टर्मिनल है एसे नोड में है, एवी नोड में है और एट्रिया का मायोकार्डियम में मुख्य रूप से होता है। इसका वेंट्रिकल्स पे प्रभाव बहुत ही कम है, ये हमने देखा है। चलिए फिर से देखते हैं एक बार कि पैरासिम्पेथेटिक नर्व फाइबर जो वेगस नर्व फाइबर है वो एसे नोड के साथ साथ कुछ वेंट्रिकल्स में भी इसका रिलीज होता हुआ दिखेगा वेगस नर्व का। तो ये एसे नोड के साथ साथ एवी नोड में भी थोड़ा सा रिलीज होता है। और इसका काम क्या ये देखेंगे, जैसे हमने देखा था सिंपैथेटिक का कि हार्ट रेट को इंक्रीज करना काम था या कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करना, इसका क्या काम है वो देखते हैं। पैरासिम्पैथेटिक का, पैरासिम्पैथेटिक जो है वो ACH को रिलीज करता है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो होता है वो डीपोलराइजेशन करता है ऑटोरिथमिक फाइबर को, डीपोलराइजेशन को ये कम करेगा, डिक्रीज करेगा और हार्ट रेट जो है डिक्रीज हो जाएगा। आपको ध्यान है कि हम जब रेस्ट पोजीशन में होते हैं, जब बैठे हुए रहते हैं, तब हमारा हार्ट रेट सिर्फ 75 बीट्स पर मिनट ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में मुख्य रूप से ACH का रिलीज होता है पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन के द्वारा, तो इसीलिए हम जब बैठे हुए रहते हैं तो हमारा हार्ट रेट 75 बीट्स पर मिनट ही होता है, जो कि ऐसे नोड में ऑटोरिथमिक फाइबर जो वहां पे 100 बीट्स पर मिनट तक वो करते, ऐसे नोड में ऑटोरिथमिक रेट जो उससे काफी कम है। हम देखते हैं कि हमारा नॉर्मल हार्ट रेट 75 बीट्स पर मिनट होता है, किसी किसी बुक में 72 बीट्स पर मिनट भी कहा गया है। तो ये हम बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे कि रेस्ट पोजीशन में पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन के कारण ACH रिलीज होता है, जो कि डीपोलराइजेशन को ऑटोरिथमिक फाइबर में कम करता है, उस कारण से ही हार्ट रेट कम होता है। हमने देखा ये भी कहा कि फेगल्स फाइबर जो है वो बहुत ही कम होता है वेंट्रिकल मसल फाइबर में, वेंट्रिकल्स में बहुत ही कम इसके है, इसी कारण से ये वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कोई भी अफेक्ट नहीं करता। जो अफेक्ट होगा वो एट्रिया मायोकार्डियम पे इसका अफेक्ट होगा, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, चाहे उसको कम करना हो या बढ़ाना हो, तो कोई फर्क नहीं डालेगा। तो ACH जो है वो हार्ट रेट को कम करता है और डीपोलराइजेशन जो है ऑटोरिथमिक फाइबर में वो डिक्रीज करता हुआ दिखेगा। तो यदि हम कहें कि पैरासिम्पेथेटिक डिवीजन में बहुत मैक्सिमम स्टिमुलेशन किया है, ACH बहुत ज्यादा रिलीज किया है, तो हार्ट रेट कम होगा मैक्सिमम स्टिमुलेशन के बाद, ACH रिलीज होगा और हार्ट रेट कम होगा, वो होगा 20 से 30 बीट्स पर मिनट ही हो जाएगा। तो ये 20 से 30 मिनट पर मिनट दिखाता है ACH जब रिलीज होता है पैरासिम्पेथेटिक नर्व फाइबर में। अब बात करते हैं केमिकल रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट की, कौन कौन से केमिकल्स। केमिकल इन्फ्लुएंस में हम देखेंगे केमिकल्स मुख्य रूप से फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक मसल्स, जिसमें हाइपोक्सिया ऑक्सीजन कमी, एसिडोसिस, पीएच का कम होना, एसिडिक होना, अल्कोलोसिस, पीएच का बढ़ना और हार्ट रेट, ये दो चीजें से केमिकल इन्फ्लुएंस होता है। केमिकल इन्फ्लुएंस हार्ट रेट को भी अफेक्ट करेगा और कार्डियक मसल के फिजियोलॉजी को भी अफेक्ट करेगा। देखते हैं सबसे पहले केमिकल्स में, पहला आप केमिकल्स पढ़ते हैं हार्मोन्स का। हार्मोन्स में एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन अभी हमने पढ़ा, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और वेंट्रिकल्स में भी ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी इंक्रीज करेगा। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक डिवीजन का एक हिस्सा होता है, कार्डियक एक्सिलेटर मसल से वो रिलीज होता है। हमने देखा था कि एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलीज होता है, या तो एड्रेनल मेडुला से रिलीज हो या डायरेक्ट यहां से देखिएगा तो यहां पे भी एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन का रिलीज होता है इस जगह पर, तो दोनों जगह से ये हार्ट रेट को
इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। दे इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये वेंटिकल्स में भी पाया जाता है इसलिए वेंटिकल्स को भी इफेक्ट करेगा। दूसरा देखेंगे थायराइड हार्मोन्स को, वो भी हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा। इसके कारण बताया गया था कि हार्ट रेट का इंक्रीज क्यों किया थायराइड हार्मोन्स ने, क्योंकि ये भी इंटरफेरेंस करता है कुछ आयंस को लेकर जैसे कैल्शियम या बाकी आयंस। तो थायराइड हार्मोन्स भी देखा गया हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता। बात करते हैं अब कैटायंस की। कैटायंस में मुख्य रूप से सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम आयन की चर्चा होगी। सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम एक्शन पोटेंशियल्स को तो इन्फ्लुएंस करते ही है नर्व्स में और मसल्स फाइबर में, इसके अलावा भी हार्ट रेट्स और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यदि शरीर में सोडियम और पोटेशियम लेवल बढ़ गया है तो यह हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी डिक्रीज करते हुए देखे जाते हैं, जबकि कैल्शियम जो होता है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता हुआ देखा जाता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा। यहां हमने देखा कि किस तरह से अफेक्ट हो रहा है। ये अदर्स फैक्टर देखेंगे एज में, न्यू एज देखेंगे तो 120 बीट्स पर मिनट तक होता है बच्चे का, और धीरे धीरे जैसे बड़ा होता जाएगा तो ये 75 बीट्स पर मिनट तक जाता है। रेस्ट पोजीशन की बात हो रही है, जब रेस्टिंग है जब वो कोई काम नहीं कर रहा था, बच्चा तो छोटा सा बच्चा पैदा लेगा तो वो तो कुछ काम करेगा नहीं, वो तो लेटा रहता है, तो रेस्टिंग पोजीशन में 120 बीट्स पर मिनट देखा गया और बड़ा होते होते ये कम होता जाएगा। जेंडर की बात की जाए तो एडल्ट वुमेन्स में स्लाइटली हायर हार्ट रेट देखा जाता है एज कंपेयर टू एडल्ट मेन्स, मतलब महिलाओं में हार्ट रेट ज्यादा होता है और पुरुषों में हार्ट रेट कम होता है। फिजिकल फिटनेस की बात की जाए तो यदि आप योगा करते हो, योगा से क्या होता है ब्रेडिकार्डिया अचीव हो जाता है, मतलब आपका हार्ट रेट जो है 60 बीट पर मिनट से भी कम हो सकता है ब्रेडिकार्डिया केस में। बॉडी टेम्परेचर की बात की जाए तो हाइपोथर्मिया, यदि बॉडी का टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी डिक्रीज होगा और रिड्यूस होगा ऑक्सीजन का नीड्स भी, इस कारण से हार्ट रेट जो स्लो होता है। कभी कभी हम बॉडी का टेम्परेचर हाइपोथर्मिया भी करते हैं किसी किसी सर्जिकल ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए, तो उस कारण से भी देखते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर को कभी कभी कम किया जाता है। जैसे हमने देखा कि हार्ट में एबनॉर्मलिटी आ गई है तो सर्जिकल रिपेयर के लिए भी हमने पेशेंट का हार्ट रेट हाइपोथर्मिया से रिड्यूस किया, उसके टेम्परेचर को हमने कूल किया है, तो हमने डिलीवरी कूल करके उसके सर्जिकल रिपेयर किया है हार्ट की एबनॉर्मलिटी को, तो हाइपोथर्मिया का भी इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, कारण कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगा, हाइपोथर्मिया में डिक्रीज और हाइपरथर्मिया में वो इंक्रीज होगा और रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ेगा। यदि बॉडी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जस्ट उल्टा होगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करने से और ऑक्सीजन डिमांड्स भी बढ़ जाएगा। अब एक ओवरव्यू देखते हैं फैक्टर जिससे कि कार्डियक आउटपुट कंट्रोल होता है। पहले देखेंगे कि, लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा सा विश्राम लेते हैं।